12th क्लास का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिजल्ट कहाँ काम आएगा? क्या इससे कॉलेज का एडमिशन मिलेगा? क्या इसके बारे में यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाएगा? ऐसे ही कुछ सवाल आपके भी मन में होंगे, तो चलिए जानते हैं कि इस रिजल्ट के जिंदगी में क्या मायने हैं। पहले जानते हैं कि 12th के मार्क्स और मार्कशीट क्यों जरूरी है। CUET के स्कोर कार्ड में अगर दो स्टूडेंट के मार्क्स एक जैसे हैं, तो जिस बच्चे के 12वीं में मार्क्स ज्यादा होंगे उसे पहले एडमिशन दिया जाएगा। जिन स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज ने CUET के एग्जाम को एक्सेप्ट नहीं किया है, उनमें 12वीं के मार्क्स को देखकर ही एडमिशन होता है। वहीं डिफेंस की कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनमें 12वीं के मार्क्स पर सिलेक्शन होता है। वहीं कॉलेज प्लेसमेंट में बच्चों के पास फाइनल सेमेस्टर की डिग्री नहीं होती है, वहाँ पर पिछले कुछ सेमेस्टर की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट मांगी जाती है। कई बार वॉक इन इंटरव्यू, कॉलेज स्कॉलरशिप, कुछ सरकारी नौकरियों में भी 12वीं की मार्कशीट जरूरी होती है। अब 12वीं के मार्क्स से जुड़े कुछ गलत फहमियों को दूर कर लीजिए। एजुकेशनिस्ट लक्ष्मी शरण मिश्रा का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में 2-3 साल बाद CUET के आधार पर एडमिशन होने की संभावना है, तो 12वीं के मार्क्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन अपना एडमिशन प्रोसेस खुद तय कर सकता है, तो वहाँ पर 12th के मार्क्स का वेटेज हो सकता है। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि विदेश की यूनिवर्सिटी 12वीं के परसेंटेज देखकर स्कॉलरशिप देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है 90% वाले बच्चे को स्कॉलरशिप ना मिले और 60% वाले बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि विदेशी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने के लिए बच्चे का प्रोफाइल देखती है, यानी उसने क्या क्या अचीव किया है ये देखा जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि UPSC और MPPSC के इंटरव्यू में 12वीं के अच्छे मार्क्स काम आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू में मार्क्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है, लेकिन आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलता है। अब जान लीजिए कि मार्कशीट की कहां कहां जरूरत नहीं होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस साल पहली बार नए बैच का एडमिशन नई शिक्षा नीति के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए लिया जाएगा। इसके लिए 12वीं के मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बिजनेस आपका करियर है, तो इसके लिए आपको 12वीं के मार्क्स या 12वीं पास करना जरूरी नहीं है। अगर आप खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको 12वीं की मार्कशीट की जरूरत नहीं है। एथलीट, सिंगर, एक्टर या मॉडल बनने के लिए कोई भी आपसे 12वीं का रिजल्ट या उसके मार्क्स के बारे में नहीं पूछेगा। अगर 12वीं में किसी स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो ये टेंशन की बात नहीं है। बहुत से ऐसे मशहूर लोग हैं जिन्होंने स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, लेकिन वो फिर भी सफल हैं। इसलिए अपने फ्यूचर पर फोकस करें और पॉजिटिव रहें। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।